हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 10 साइंस में लाइट चैप्टर में डिस्कस करेंगे पार्ट 4। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो द चेंज इन द पाथ ऑफ अ लाइट रे एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो जो उसके पाथ में चेंज आता है उसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक, तो एग्जांपल के लिए हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया और उसमें हमने एक स्पून डाल दिया। ठीक है, अब इस स्पून को अगर आप ढंग से देखो तो इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है स्पून की वो कहीं और से निकलती हुई दिखाई दे रही है और जो इसका नीचे वाला सरफेस है वो कहीं और से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा अलग हो या फिर इसको यहाँ पे बेंड कर दिया हो। ठीक, बल्कि ये पूरे का पूरा स्पून ही एक ही स्पून है। ठीक, तो ये यहाँ पे ऐसा दो सरफेस अलग अलग इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि ये लाइट जो है यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रही है। अब रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है यहाँ पे लाइट का, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए दो मीडियम की जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो दो मीडियम प्रेजेंट है वो है एक एयर और दूसरा वाटर। एयर जो है इस ग्लास के बाहर जितना भी जो मीडियम प्रेजेंट है वो है एयर और ग्लास के अंदर जो हमें दूसरा मीडियम दिखाई दे रहा है वो है वाटर। तो जब रे ऑफ लाइट एयर से एंटर करेगी वाटर में तो वो क्या करेंगी, अपनी नॉर्मल पाथ से रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, यानी वो डिवेट हो जाएंगी अपने ओरिजिनल पाथ से, जिसकी वजह से ये स्पून का जो इमेज दिखाई देना चाहिए था ओरिजिनल पोजिशन पे उससे थोड़ी दूर पे वो इमेज दिखाई देगी, जिस वजह से ऐसा लगेगा ये स्पून बेंड हो गया या फिर जो इस स्पून के जो दो हिस्से हैं वो अलग अलग हैं, पानी के अंदर वाला अलग है और ऊपर वाला अलग है, ऐसा हमें लगेगा जो असल में ऐसा है नहीं। तो ये हो रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो अगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का दूसरा एग्जाम्पल लूं तो ये आपको स्पून का साइज दिखाई दे रहा है और जैसे ही मैंने इसको वाटर में डाला तो इसका साइज जो है वो बड़ा हो गया और इसको मैं बाहर निकालूं तो ये साइज नॉर्मल हो गया। तो ये साइज बड़ा इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रही है। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से इसका साइज पानी में बड़ा दिखाई दे रहा है। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो इसके लिए मैंने लिया एक ग्लास ऑफ वाटर और साथ में लिया एक नींबू। ठीक है, तो आप अब इस नींबू के साइज में चेंज देखोगे जैसे ही मैं इसको वाटर में डालूंगा। ठीक, तो ये नींबू मैंने डाला इस वाटर में और इसका साइज हो गया चेंज। ठीक है, अब ये अपने नॉर्मल साइज से बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये बड़ा इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि रे ऑफ लाइट जो है पानी में एंटर करते ही रिफ्रैक्ट हो रही है, यानी अपने पाथ से डिविएट हो रही है, जिसकी वजह से इसका साइज हमें बड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि जहां पे ये ओरिजिनली दिखना चाहिए था ये वहां से और दूर पे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये नींबू बड़ा दिखाई दे रहा है। तो अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो इसको इस टाइप से डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। ठीक, तो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे लिखा है n12। तो यहाँ पे n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1 है वो मीडियम जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है और 2 वो वाला मीडियम है जिसके रिस्पेक्ट में हम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं पहले वाले मीडियम का। तो इसको हम इक्वल टू लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, यानी जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें स्पीड ऑफ लाइट को हम ऊपर लिखेंगे यहाँ पे और स्पीड ऑफ लाइट जो पहले मीडियम था उसको हम अपॉन में नीचे लिखेंगे। ठीक, तो इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं v2 अपॉन v1। ठीक है, तो v2 है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, v1 है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो जो इसमें सबसे पहला लॉ है वो है द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसिडेंट रे है रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सबके सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो अब बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो उसको हम इस टाइप से डिफाइन करते हैं, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कॉन्स्टेंट फॉर लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, इट इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो इसको अगर हम न्यूमेरिकली लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं sin i / sin r इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक रे ऑफ लाइट है जिसका हमें कलर पता है और हमें ये भी पता है कि वो किस मीडियम से किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो ऐसी रे ऑफ लाइट के एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का हम साइन एंगल ले लें तो वो जो होगा वो कॉन्स्टेंट होगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था इस लाइट ऑफ रे का, उसका हमने साइन एंगल ले लिया, और जो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था उसका भी हमने साइन एंगल ले लिया। तो इन दोनों का अगर हम रेशो ले लें तो वो हमेशा कॉन्स्टेंट होगा। तो आप बात करते हैं लेंसेज की, तो लेंसेज में सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक, तो अगर इसको डिफाइन करें तो इस टाइप से डिफाइन करते हैं हम इसे, अ लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट इट्स एंड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप कॉन्वेक्स लेंस की इमेज देख पा रहे हो, तो इस इमेज में आपको दिख रहा होगा ये लेंस जो है बीच में मोटा दिखाई दे रहा है, यानी ये थिक है बीच में, और एक कोने कोने में यानी साइड्स में ये थिन है, यानी पतला दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लेंस जो बीच में थिक हो और साइड्स में थिन हो उसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक, तो कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि जब भी इससे रे ऑफ लाइट पास करती है तो वो रे ऑफ लाइट इससे पास होने के बाद कन्वर्ज हो जाती है, यानी वो मीट कर जाती है आगे जाके, तो इसलिए उसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो कॉन्वेक्स लेंस का जो असल में नाम होता है वो डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है, क्योंकि इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं, एक इस साइड से और एक इस साइड से, तो ये दो कॉन्वेक्स लेंस से मिलके बना होता है, तो इसका असल में नाम होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस, पर चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो इसको हम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, अ लेंस विच इज थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट इट्स एंड्स इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो एक ऐसा लेंस जो सेंटर में पतला हो यानी थिन हो और साइड्स में वो थिकर हो यानी मोटा हो, उसको हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं। ठीक, और इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। डाइवर्जिंग लेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब रे ऑफ लाइट इससे पास करती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है इससे। ठीक है, तो एक दूसरे से दूर दूर हो जाती है वो, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अगर रियलिटी में देखा जाए तो जो कॉनकेव लेंस होता है वो रियलिटी में डबल कॉनकेव लेंस होता है, क्योंकि वो दो कॉनकेव लेंसेज से मिलके बना होता है, लेकिन हम चीजों को सिंपल रखने के लिए उसको सिर्फ कॉनकेव लेंस बोलते हैं। तो अब बात करते हैं टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज की। तो ये जितने भी टर्म्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो सिमिलर हैं जो हमने मिरर में पढ़ी थी, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो इसलिए हम इसको सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो पहला टर्म जो है वो है ऑप्टिकल सेंटर, और ये मिरर में इसको हम पोल बोलते थे। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो किसी भी लेंस का जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, जो बिल्कुल इसका सेंटर होता है, उसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक, तो चाहे हम कॉन्वेक्स लेंस कंसिडर करें या कॉनकेव लेंस कंसिडर करें, उसका जो सेंटर पॉइंट है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये ओ पॉइंट है इन दोनों लेंसेज का, वो इसका ऑप्टिकल सेंटर है। तो अब बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो हमें पता है चाहे हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, ये दोनों लेंसेज में दो दो लेंसेज लगे होते हैं। ठीक है, एक ही टाइप के दो दो लेंसेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, तो ये दो कॉन्वेक्स लेंसेज से मिलके बना हुआ है, एक कॉन्वेक्स लेंस इधर से है इसमें और एक कॉन्वेक्स लेंस इस साइड से। तो हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये जो दोनों लेंसेज हैं, ये दोनों लेंसेज दो इमेजिनरी स्फीयर के छोटे छोटे हिस्से हैं। ठीक है, यानी ये वाला पोर्शन भी जो है एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है, और इधर वाला जो ये लेंस है वो भी एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है। तो जिस इमेजिनरी स्फीयर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उन दोनों इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर होता है, जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला पोर्शन एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है, तो उसका सेंटर हमने माना C1। ऐसे ही जो ये वाला लेंस है ये एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है और उसका सेंटर माना हमने C2। तो ये जो C1 और C2 जो है, जो कि इमेजिनरी स्फीयर के दो सेंटर्स हैं, उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसी टाइप से यहाँ पे जो दूसरा वाला लेंस है हमारे पास कॉनकेव लेंस, उसमें भी हम इसी टाइप से देख सकते हैं। तो इधर वाला जो लेंस है वो भी एक बड़े से स्फीयर का पार्ट है, तो उसका सेंटर C1। ऐसे ही इधर वाला जो लेंस है वो भी एक बड़े से स्फीयर का पार्ट है, उसका सेंटर C2। तो ये C1 और C2 जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इसका मतलब लेंसेज में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। तो अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो हमें पता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा है, कि जो भी लेंसेज ये होते हैं हमारे पास वो दो दो लेंसेज से बने होते हैं, और ये दोनों लेंसेज हमने कंसिडर किया कि एक बड़े से स्पेयर का पोर्शन होते हैं। तो वो जो बड़ा सा इमेजिनरी स्पेयर हमने कंसिडर किया है, उसका जो भी रेडियस होगा दोनों साइड, इधर वाले स्पेयर का जो इधर वाला रेडियस और इधर वाले स्पेयर का इधर वाला रेडियस जो होगा, उसी रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम नापते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से और जहां तक उसका वो रेडियस है, वो डिस्टेंस हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की।
तो किसी भी लेंस में वो इमेजिनरी लाइन जो कि एक लेंस के दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच कर रही हो या उन दोनों से पास होते हुए जा रही हो, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जैसे इस कॉन्वेक्स लेंस में ये C1 और C2 से एक लाइन पास कर रही है, तो ये लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। सिमिलरली इसमें भी जो दूसरा वाला लेंस है हमारा कॉनकेव लेंस, इसमें भी C1 और C2 से जो लाइन पास कर रही है वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो। तो अब बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस की। तो लेंसेज में हम प्रिंसिपल फोकस को दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। तो जो पहला टाइप है उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे कह सकते हैं कि एक वो पॉइंट जहां से रे ऑफ लाइट निकल रही हो और रिफ्रैक्ट होने के बाद रे ऑफ लाइट पैरेलल हो जाए, उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं या प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। दूसरे टाइप से हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल पास कर रही हो और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो एक पॉइंट पे जाके मीट करें, तो उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं या प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। इसी टाइप से हम इसको कॉनकेव लेंस के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। तो किसी भी लेंस में उसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर O और F1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ हुआ, और इसी टाइप से O और F2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी फोकल लेंथ हुआ। इसी टाइप से इसको कॉनकेव लेंस के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपर्चर की। तो किसी भी लेंस का जो डायमीटर होता है उसको हम अपर्चर बोलते हैं, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे ये m कंसिडर कर ले और ये n, तो ये mm जो है इस लेंस का डायमीटर हो गया, तो यही इसका अपर्चर होगा। तो आई होप आज हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस करे हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।